नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के झांसी के लोगों के लिए बड़ी खबर है। अब झांसी में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियां बहुत जोरों पर हैं। आप जो देख रहे हैं, ये झांसी के जिलाधिकारी आंध्र बामसी हैं, आज जिला अस्पताल में पहुंचे। यहां पर कोरोना वैक्सीन को लेकर जो ड्राई रन की तैयारियां हैं उसको उन्होंने आज देखा है। पूरे प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है। आज उन्होंने जिला अस्पताल में जो ड्राई रन का जो सेंटर है उस सेंटर का उद्घाटन किया और वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा। झांसी में, पूरे झांसी जनपद में किस प्रकार से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा, उसके बाद उसको लगाया जाएगा, इसको लेकर जिलाधिकारी ने आज व्यवस्था देखी। इसके बाद उन्होंने मीडिया को इस वैक्सीन के बारे में और ड्राई रन को लेकर बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से, जिलाधिकारी ने बताया कि किस प्रकार से वैक्सीन को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं, कैसे कैसे वैक्सीन रखा जाएगा और किस किस चरण से, किस किस तरीके से इसका टीकाकरण का कार्य होगा, किस को टीका पहले लगाया जाएगा और किसको बाद में टीका लगेगा, इसके अलावा टीकाकरण की क्या से तैयारियां हो रही हैं, इसको लेकर पूरी उन्होंने आज जाँच पड़ताल की है। जिलाधिकारी आंध्र बामसी के साथ जिला अस्पताल का पूरा स्टाफ भी मौजूद रहा। जिलाधिकारी ने, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वैक्सीन रखने की व्यवस्था है और क्या क्या वैक्सीन के उपाय है, इसको लेकर पूरी जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया है कि जो कोविड का जो पोर्टल है उस पर जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उसके तहत सबसे पहले स्वास्थ्य वर्करों को वैक्सीन लगाई जाएगी। फिलहाल आज जिलाधिकारी झांसी के साथ चिकित्सा जगत की पूरी टीम जिला अस्पताल में मौजूद रही और ड्राई रन की तैयारियों का पूरा जायजा लिया। इस दौरान मार्केट संवाद की टीम ने जिलाधिकारी के इस ड्राई रन के दौरे को पूरी तरह से कवर किया और आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी एक एक चिकित्सक से वैक्सीन को लेकर और व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं। संतुष्ट होना चाहते हैं कि कहीं ड्राई रन में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, क्योंकि व्यवस्थाओं में कमी का कारण होगा कहीं ना कहीं परेशानी होना। फिलहाल जिलाधिकारी इस सारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे और उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही जनपद वासियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल मार्केट संवाद, जैसा कि आपको लगातार बता रहा है, कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, हम लोगों के बीच जाकर उनको बता रहे हैं, उनसे सुझाव मांग रहे हैं, उनके अनुभव ले रहे हैं, क्योंकि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगने की तैयारियां अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि कल से जो ड्राई रन शुरू होगा 5 तारीख से, उस ड्राई रन के बाद लोगों को वैक्सीन की उपलब्धता हो सकेगी। फिलहाल झांसी के लिए बहुत बड़ी राहत की और खुशी की खबर है, क्योंकि कोरोना झांसी में प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयास और आम जनता की जागरूकता के बाद अब कंट्रोल में आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन लगने की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी उतनी जल्दी ही लोगों को इस कोरोना बीमारी से छुटकारा मिल सकेगा। देखिए जिलाधिकारी आंध्र बामसी ने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर क्या कहा है, यह हम आपको सुनाते हैं। आज पूरे प्रदेश में कोवैक्सीन कोविड 19 के लिए ट्राई रन है वो शुरू की गई है। इसके तहत जनपद झांसी में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ट्राई रन का आयोजन रहेगा। 3 हमारे सेंटर्स हैं देहात में, जो चिड़गांव, मबीना और बरवा सागर हैं, CHC में है, और 3 हमारा शहर क्षेत्र में है जहाँ पे मेडिकल कॉलेज के 2 सेंटर हैं, 50 बेनिफिशियरी के लिए और जिला अस्पताल 25 बेनिफिशियरी के लिए, और आयुर्वेदिक कॉलेज में 25 बेनिफिशियरी के लिए। इस पूर्ण रूप से अगर देखा जाए प्रति सेंटर से 25 बेनिफिशियरीज को आयरन की व्यवस्था सुनिश्चित कराना है, वैक्सीनेटरिंग रूम के माध्यम से भी हो या ऑब्जर्वेशन रूम के माध्यम से भी हो या सैनिटाइजेशन और कोविड इन्फेक्शन प्रोटोकॉल को देखते हुए उनकी जो ऑनलाइन में जो रजिस्टर्ड है बेनिफिशरीज, उन सब लोगों का वैक्सीनेशन की एक ड्राई रन, मतलब ये बेसिकली ड्राई वैक्सीनेशन ड्राइव है, वेट वैक्सीनेशन ड्राइव है, और आने वाले दिनों में कैसे हम लोग इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से लागू कर सकते हैं उसका एक डेमो माध्यम से ये सारे काम। तो साथ में सबसे अनुरोध ये है कि कोविन पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन जो हो रही है, पहले फेज़ में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और दूसरे फेज़ में फ्रंटलाइन गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए या पब्लिक सेक्टर के लिए, उन सब लोग, और तीसरा फेज़ में कोमॉर्बिडिटीज़
सॉरी 50 साल के ऊपर जितने भी हमारे जो वृद्ध हैं उनको तीसरे फेज में, और कोमॉर्बिडिटीज जो 50 साल के नीचे वाले हम लोग ले लेंगे। और प्लान यही है 100% वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कराना है। जितना हमारा माइक्रो टीम्स बढ़ेगा, जितना हमारा मैन पावर बढ़ेगा, तो उतना जल्दी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया जाएगा। और साथ में ये अनुरोध है कि वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान जनता से भी अपेक्षा है कि पूरा सहयोग करें, पूर्ण रूप से सहयोग करें और कोई ना छूटे। और जितने भी हमारे पब्लिक संस्थाएँ हैं और प्राइवेट संस्थाएँ हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि और आह्वान भी करेंगे कि कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव को जो भी मैन पावर दे सकते हैं आप उन्हें दिला दें। थैंक यू। कब तक पूरा होगा तुम्हारा? थोड़ा